हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग अब तक 70 क्वेश्चन देख चुके हैं C++ और एल्गोरिथम को मिला के। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट पार्ट 4 देख रहे हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। लेकिन हाँ, जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। पहला क्वेश्चन, द क्लास विच आर इंटेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंस आर कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस करता है। देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। तो बाइंडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म तो एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो इस कौन सा हो जाएगा आपको, कॉन्क्रीट। क्या हो जाएगा, 71 का बी हो जाएगा। तो नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले उसको आपको क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जावा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या फिर अगर जावा नहीं है C++ है तो आपको पहले उसके लिए डिराइव क्लास बनाना पड़ेगा। और डिराइव क्लास में आप उसको ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग टू और मोर फंक्शन विथ। देखिए ओवरलोडिंग क्या होता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला डिफरेंट नेम डिफरेंट पैरामीटर, या डिफरेंट नेम सेम पैरामीटर, सेम नेम सेम पैरामीटर, या सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। देखिए 72 का डी क्या लिखा हुआ है, सेम नेम। ओवरलोडिंग क्या होता है, नाम सेम रहता है सबका लेकिन जो पैरामीटर डालते हैं वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, विच ऑपरेटर इज यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ क्लास एक्सटर्नली, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है आपको, कॉलन, दो कॉलन, एम्परसेंट, या फिर एरो। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास को एक्सटर्नली क्लास करने में, डिफाइन करने में। देखिए यहाँ पे आपको 73 का बी हो जाएगा, इसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। इसमें चार क्लास डिक्लेयर किया गया ऑप्शन में, अगर बताना है कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड है। देखिए अगर पता है जब भी क्लास हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसका आखिर में डालते हैं कॉलन, तो ए और डी कॉलन दो ही में दिया हुआ है। और देखिए इंट एक्स, एक्स बार जब कॉलन रहेगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 74 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75, विच वन इज डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है, मेंबर ऑफ क्लास, एसोसिएट ऑफ क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास, या एट्रीब्यूट ऑफ इंस्टेंट। देखिए इसका आपको हो जाएगा 75 का आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंट होता है क्लास का। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन क्लास। एक क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, हमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्कोप रेजोल्यूशन, डायरेक्ट मेंबर, टर्नरी, या टॉट ऑपरेटर। देखिए 76 आपको हो जाएगा ए, पहले मैंने आया था पहले। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इसी ये क्वेश्चन था इसमें लिखा हुआ, देखिए जो है ना इसको इसी को कहते हैं आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। 76 का आपको हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर वर्चुअल फंक्शन इन C++। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही, नॉट करेक्ट, सही नहीं है वर्चुअल फंक्शन के लिए। इट्स मस्ट बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन, या वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक, वर्चुअल फंक्शन शुड बी एक्सेस यूजिंग पॉइंटर, या वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन द क्लास। देखिए वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक, ये गलत है। वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक नहीं हो सकता, वो डायनेमिक फंक्शन होता है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, इन विच केस इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड डिस्ट्रक्चर इन ए क्लास। हम लोग एक क्लास के अंदर डिस्ट्रक्चर कब प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कौन सा वक्त आता है जब हम चाहते हैं कि डिस्ट्रक्चर में क्लास में रहे। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास, पॉसिबल नहीं है, क्लास फॉर विच टू और मोर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, या क्लास फॉर विच कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड, या क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली। देखिए इसका वो हो जाएगा 78 का डी होगा, जब भी ऑब्जेक्ट डायनेमिकली बनता है, बनने के बाद वो रेफरेंस छोड़ देता है, फिर उस रेफरेंस को मेमोरी में रह जाता है, उसको डिलीट करने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्चर फंक्शन लाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पास टू फंक्शन इन C++। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा आपको प्रॉपर्टी, चार ऑप्शन है जो आपको पास नहीं कर सकते हैं, फंक्शन है पास नहीं, पॉसिबल नहीं पास करना उसको, कॉन्स्टेंट, स्ट्रक्चर, एरे, या हेडर फाइल। देखिए कॉन्स्टेंट, स्ट्रक्चर, एरे हम लोग तीनों को पास कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, पर हेडर फाइल इसको पास करना इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही, इसमें से कौन गलत है, ठीक है। देखते हैं, एवरी क्लास कंटेन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, मच पर्टिकुलर स्टेप, बिल्कुल सही है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन डायरेक्टली बी इनिशिएटेड विद न्यू ऑपरेटर, देखते हैं आगे क्या है। सी देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनिशिएटेड, या डी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट कंटेन एनी डिफिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। देखिए ऑप्शन नंबर बी गलत है इसका, न्यू ऑपरेटर यूज नहीं करता है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 81 देखते हैं, विच डेटा
टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर। देखिए अगर आपके पास पैरामीटर नहीं रहेगा, सिंपल कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में ओवरलोडिंग है, ओवरराइटिंग है, उसमें मतलब अगर फंक्शन में अगर पैरामीटर नहीं रहेगा तो सिंपल हम लोग वाइट कहेंगे, वाइट मतलब खाली, कुछ नहीं, जीरो, जीरो नहीं, वाइट मतलब खाली होता है। देखिए लैंग्वेज में जीरो और खाली दो अलग अलग चीज़ें, तो यहाँ पर खाली होगा, जीरो नहीं होगा। 82 देखते हैं, व्हाट डज बैकस्लैश ए एस्केप कोड रिप्रेजेंट। ये जो बैकस्लैश ए है उसी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, अलर्ट बैकस्लैश टैप या फॉर्म फेड, इसका आप हो जाएगा 82 के, इसका मतलब होता है अलर्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विच टाइप इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यू, बुलियन या पहले इंटीजर, बुलियन कैरेक्टर या फिर फ्लोट डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। देखिए जहाँ पे आएगा लॉजिक का बात, लॉजिक हमेशा आता है 1001 में, ऐसे हम लोग का पूरा सिस्टम काम करता है, पूरा कंप्यूटर। तो आपको 83 का हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या होगा 83 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं, क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड आर डिराइव फ्रॉम ए बेस क्लास, डिज इनहेरिटेंस इज। देखिए इनहेरिटेंस चार तरह का होता है, मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, सिंगल होता है और हायरार्किकल होता है। तो इसमें से क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड आर डिराइव फ्रॉम बेस क्लास, अगर एक क्लास में से तीन क्लास हम डिराइव कहेंगे उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे, मल्टी लेवल कहेंगे, सिंगल कहेंगे या हायरार्किकल कहेंगे, उसको कहेंगे हायरार्किकल। ठीक है, क्या कहेंगे हायरार्किकल, सिंगल कब रहेगा, जब एक क्लास है उसमें सिंगल एक बाहर एक उसको इनहेरिट कर ले उसको एक कहेंगे, लेकिन अगर फिर इसको हम इनहेरिट करेंगे इसको कहेंगे हम लोग मल्टी लेवल कहेंगे। देखिए इसको हायरार्किकल मतलब क्या होता है, एक बेस क्लास है, ठीक है, उसके लिए मैं बहुत सारा अलग अलग ड्राइव क्लास है, एक दो तीन, देखिए यहाँ पे एक ड्राइव क्लास है, यहाँ पे ये भी ड्राइव क्लास मान लेते हैं इसको, इसको भी मान ड्राइव क्लास मान लेते हैं, इसका मतलब होता है हायरार्किकल, इसका ये मतलब हायरार्किकल का मतलब होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर, हेडर फाइल यूज इन इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस इज, कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए, मतलब फाइल सिस्टम के लिए, इफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम या ऑल द अबव। देखिए इसका हो जाएगा आपको 85 का ए हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, इफ स्ट्रीम मतलब फाइल स्ट्रीम यूज करते हैं, ये हेडर फाइल यूज करते हैं, यूज करते हैं stdio.h, तो हम यूज करेंगे इफ स्ट्रीम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्लोजिंग अ फाइल इन सी प्लस प्लस, किस ये कौन तरीका है जिसे मैं कौन ऑप्शन सही है जिससे मदद से हम लोग फाइल को क्लोज करते हैं सी प्लस प्लस में। देखिए क्लोज फंक्शन यूज करते हैं पहला बात यूज सही है, लेकिन उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। देखिए माई फाइल मतलब फाइल का नेम डॉट क्लोज फंक्शन यूज करते हैं ताकि हम लोग एक फाइल को क्लोज कर सकें, किसमें, सी प्लस प्लस में। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं 87 देखते हैं, 87 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा चार ऑप्शन में सही है, ए डिराइव क्लास में हैव मोर देन वन बेस क्लास, मतलब एक डिराइव क्लास है उसका एक ज्यादा बेस क्लास हो सकता है, फिर ए बेस क्लास में हैव मोर देन वन डिराइव क्लास, बोथ ए एंड बी या फिर डी। देखिए बी में क्या कह रहा है, ए बेस क्लास में हैव मोर देन वन डिराइव क्लास, पॉसिबल है एक बेस क्लास का एक से ज्यादा उसका डिराइव क्लास पॉसिबल है, लेकिन एक डिराइव क्लास में ज्यादा बेस, ज्यादा उसका बेस क्लास है ये पॉसिबल नहीं है। 87 का आपको हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए 87 एक और जो ऑप्शन है ना, ये आपका एग्जांपल आपको हो जाएगा, आपको मल्टीपल हो जाएगा, पर मल्टीपल हमें हम लोग सीपीएस में काम नहीं करते हम लोग। 88 देखते हैं, टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम वी मस्ट डिक्लेयर द स्ट्रीम टू बी क्लास, इन हम लोग इन टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम, जहाँ और सिर्फ आउटपुट के लिए काम आ रहा है तो हम लोग कौन सा हेडर फाइल यूज करेंगे, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, आई ओ एफ स्ट्रीम या फिर ऑल द वर्ब, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग ए 88 के, ऑफ स्ट्रीम यूज करेंगे हम लोग कब, किसके लिए, जब हम लोग आउटपुट स्ट्रीम में काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विच इज या फिर आर इज द वे टू ओपन ए फाइल इन द फाइल सिस्टम, कौन तरीका है जिससे हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग फाइल में काम करते हैं तो काम करने के पहले हम ओपन करना पड़ेगा, बिना ओपन के हम फाइल में कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। तो कौन तरीका सही है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यूजिंग ओपन फंक्शन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। देखिए इसका हो जाएगा आपको 89 का सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करते हैं या फिर हम लोग ओपन फंक्शन यूज करते हैं। ये सिंटैक्स किसका है मेरा, ये सिंटैक्स है मेरा ओपन फंक्शन का, किसका है मेरा, ओपन फंक्शन यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा, ओपन नेम, फाइल नेम और मोड, मोड मतलब किस तरह हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्या है, चारों है ना, चारों मोड का नाम है, सब मोड है, किस तरह हम लोग इन कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, इफ वी क्रिएट ए फाइल बाय इफ स्ट्रीम देन द डिफॉल्ट मोड ऑफ द फाइल इज, अगर मेरा जो फाइल बना रहे वो इफ स्ट्रीम में तो उसमें डिफॉल्ट मोड क्या होगा, ios.in डॉट, देख डॉट नहीं है, iOS फिर ये जो फंक्शन है ना इसको प्रेजुलर फंक्शन कहते हैं इसको, तो iOS इन, iOS आउट, iOS ऐप, iOS बैनडी। देखिए इफ स्ट्रीम है तो मतलब अंदर जा रहे हैं, तो इसके लिए होगा आपको 90 का आपको ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कुछ आगे नहीं, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखे हुए, ये क्लास फॉर
फाइल सिस्टम ऑपरेशन, इफ स्ट्रीम ये भी क्लास है, ऑफ स्ट्रीम ये भी क्लास है, इफ स्ट्रीम ये भी क्लास है। इफ स्ट्रीम के अंदर हम लोग गेट्स यूज करते हैं, ग्रिलन यूज करते हैं, रीड, सीक, सीक जी, टेल जी, ये सब फंक्शन आप लिख के याद कर लें, इसको लिख के नोट करेंगे इसको याद कर लें। ऑफ स्ट्रीम में क्या फंक्शन यूज करते हैं, इफ स्ट्रीम में है ना, इफ स्ट्रीम के भी और ऑफ स्ट्रीम के भी दोनों का हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है, मोड है, फाइल सिस्टम बहुत सारा मोड होता है, iOS इन, iOS आउट। देखिए इन के यूज करते हैं इनपुट ऑपरेशन के लिए, आउट यूज करते हैं आउटपुट के लिए, बाइनरी यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए, इसी तरह बहुत सारे सात इंपॉर्टेंट जो सात इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सब लिख दिए, अब उसको कॉपी में नोट करें, उसको याद कर लें, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 91, विच फंक्शन यूज टू रीड कैरेक्टर इन ए फाइल स्ट्रीम, कौन सा आपको फंक्शन है जो हम लोग एक रीड कर सकते हैं कैरेक्टर को, गेट, गेट लाइन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, इसका आपको हो जाएगा गेट, सी हो जाएगा गेट। हम लोग देखिए गेट फंक्शन क्या करते हैं ना, हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं, पर गेट लाइन क्या है ना, हम लोग एक आइडिया ऑफ कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। 92, विच ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑपरेटर इज कैस्केडिंग ऑपरेटर, तो चार ऑप्शन दिए हुए, आप बताने के कैस्केडिंग ऑपरेटर कौन सा है, तो आपको 92 को हो जाएगा सी। देखिए हम यूज करते हैं ना सी इन सी आउट में, देखिए हम लोग एसएन डायग्राम यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कैस्केडिंग ऑपरेटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम मेरा 93 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइल ओपनिंग मोड, ये चार का मोड है, इसमें कौन सा मोड नहीं है, मोड ही नहीं है, आउट इन ऐप ट्रेनिंग, देखिए डी अब ऐसे मोड ही नहीं है, आईओएस आउट है, आईओएस इन है, ऐप है, बाइनरी है, ऐप है, लेकिन ट्रंकेट है ही नहीं कोई, तो गलत ही है। क्वेश्चन 94, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ टू चेंज द लोकेशन ऑफ द गेट एंड पुट पोजिशन, देखिए गेट हम यूज करते हैं पढ़ने के लिए और पुट यूज करते हैं हम लोग राइट करने के लिए, ठीक है, इतना सारा गेट का काम किया, पुट का काम किया। देखिए अब कह रहा है लोकेशन 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 एक फाइल में किसकी मदद से हम करते हैं, देखिए इतना बात याद रखे ना कि सीक जी और सीक पी ये दो फंक्शन यूज करते हैं हम लोकेशन फाइंड करने के लिए एक फाइल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या कह रहा है, हाउ टू गेट पोजिशन इन बाइट फॉरवर्ड इन द फाइल ऑब्जेक्ट, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बहुत सारा फाइल है, एक फाइल है उसमें बहुत सारा बाइट है, तो उन लोगों इन बाइट पहुंचना है कैसे पहुंचेंगे, तरीका क्या है, देखिए याद रखिए आपको पहले यूज करेंगे कौन सा बाइट पहुंचना है, फिर उसका फंक्शन क्या फंक्शन कौन सा मोड यूज कर रहे थे, ये मोड हो गया और ये आपको हो गया किस बाइट पहुंचना है, आपको 95 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑपरेटर यूज फॉर डी रेफरेंसिंग ऑफ द इन डायरेक्शन, हम लोग रेफरेंस करते हैं हम लोग इससे 85 से रेफरेंस करते हैं और ए स्टार से हम लोग डी रेफरेंस करते हैं, आपको 86 का हो जाएगा आपको ए। अब क्वेश्चन मेरा नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, हम लोग डायरेक्टली किसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, देखिए पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं प्रोटेक्टर प्राइवेट, दोनों को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो 97 हो जाएगा वो डी। 98, देखिए ये तो सिंपल से कोडिंग है, अगर ए का मतलब ए में 100 पुट कर दिया, बी में 200 पुट कर दिया और पी के अंदर हम लोग ए कैरेक्टर्स डाल दिए और हम लोग क्यू के अंदर बी कैरेक्टर्स डाल दिए और क्यू को और क्यू का जो वैल्यू है उसको हम लोग पी में असाइन कर दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जब जब पी होगा अब वो पॉइंट करेगा बी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एवरी टाइप ऑफ फंक्शन कैन नॉट ओवरलोडेड, मतलब कौन ऐसा फंक्शन जो ओवरलोड नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मेंबर स्टैटिक वर्चुअल या बोथ बी एन सी, देखिए ना स्टैटिक कर सकते हैं ना ही वर्चुअल कर सकते हैं, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, अब हो जाएगा 99 का सी। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इसमें कौन सा लाइन है जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में सही है, पहला डिस्ट्रक्टर कैन टेक आर्ग्यूमेंट बट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट, गलत, कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्ग्यूमेंट बट डिस्ट्रक्टर कैन नॉट, देखिए ये सही है, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट ले सकता है लेकिन डिस्ट्रक्टर आर्गुमेंट ले नहीं सकता है, ठीक है, आपको 100 का बी होगा। और आज आपके लिए एक अलग क्वेश्चन जोड़ दिए, एक नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन, कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट हो सकता है, देखिए जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा जब तक उसका ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएट, देखिए इसका बी नहीं इसका ए हो जाएगा, जब तक ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं क्रिएट नहीं होगा हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक खत्म होंगे दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें, अपडेट रहें, अपडेट रहेगा तब भी आपको समझ आएगा कि और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको थैंक यू आप सभी का।